मैं डॉक्टर नीता मिश्रा एकेडमिक कंसल्टेंट स्कूल ऑफ एजुकेशन, उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत है दोस्तों बीएड विशेष शिक्षा में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उन्हें ये पता होगा कि उनके पांच सेमेस्टर्स हैं इन फाइव सेमेस्टर्स में जो उनका फोर्थ सेमेस्टर्स है उसमें जो उनका थर्ड पेपर है वो है सेंसरी डिसेबिलिटी बच्चों आपने दिव्यांगता के बारे में बहुत सुना होगा विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता से आप अवगत भी होंगे पर सेंसरी डिसेबिलिटीज क्या है इस डिसेबिलिटी के होने से जो इन बच्चों को दिव्यांगता हुई है उनको क्या क्या समस्या आ रही है उनके एजुकेशन में क्या समस्या आ रही है उनको सोशल क्या प्रॉब्लम हो रही है तथा उनका साइको सोशल डेवलपमेंट कैसे इफेक्टेड हो रहा है आज इस पेपर के प्रथम यूनिट में हम इसी चीज़ का डिस्कशन करेंगे आपका जो तीसरा पेपर है वो है इंट्रोडक्शन्स ऑफ सेंसरी डिसेबिलिटी इसका ब्लॉक वन हियरिंग एंड क्लासिफिकेशन व्हाट इज सेंसरी ऑर्गन आप हम सभी जानते हैं कि हमारे पास फाइव सेंसेस होते हैं हमारी आइस ईयर्स नोज टंग एंड स्किन्स अब हम डिफिनिशन देखें कि सेंसरी इम्पेयरमेंट होता क्या है तो सेंसरी इंपेयरमेंट इज वे वन ऑफ योर सेंसेस लाइक स्लाइड्स, हियरिंग स्मेल, टच टेस्ट एंड स्पेशियल अवेयरनेस इज नोन लॉन्गर नॉर्मल इट मीन्स अगर आपको सेंसरी इंपेयरमेंट हुआ है तो आपकी या तो असाइट्स में प्रॉब्लम होंगे या आपके सुनने में समस्या होगी या आपको स्मेल में प्रॉब्लम होगी या आपको टच में प्रॉब्लम किसी चीज़ के टेस्ट में प्रॉब्लम की समस्या होगी इन समस्याओं को अगर किसी बच्चों में हो रही है तो हम उसे सेंसरी एम्पेयरमेंट कहेंगे सेंसरी एम्पेयरमेंट दो प्रकार के होते हैं एक तो आपका सिंगल सेंसरी एम्पेयरमेंट और दूसरा आपका होता है डुअल सेंसरी एम्पेयरमेंट सिंगल सैपरी एम्पेयरमेंट जैसे आपका हियरिंग एम्पेयरमेंट होता है श्रवण बाधिता होती है जिसमें बच्चे सुन नहीं पाते बोल नहीं पाते इस प्रकार के समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं विजुअल एम्पेयरमेंट जिन बच्चों को देखने में समस्या होती है उसे हम विजुअल एम्पेयरमेंट कहते हैं आप देख रहे हैं कि चाहे यह हियरिंग एम्पेयरमेंट है या विजुअल एम्पेयरमेंट है बोथ इम्पेयरमेंट आपके सेंसिस से जुड़े हुए हैं जिसके कारण आपको बाधिता उत्पन्न हो रही है डूवेल सेंसरी इंपेयरमेंट क्या होता है जब हमारे पास हियरिंग भी प्रॉब्लम हो और साथ ही साथ विजुअल प्रॉब्लम भी हो मींस हम डेप और ब्लाइंड दोनों हो, मींस हम न सुन पाए और न देख पाए इस प्रकार एक व्यक्ति में अगर ये दोनों ही सेंसेस समस्या हो जो सुनने में परेशानी हो साथ साथ देखने में परेशानी हो तो उस प्रकार के डिसेबिलिटीज़ को हम डूल सेंसरी एम्पेयरमेंट कहते हैं और इस प्रकार होती है उसे हम डेप ब्लाइंडनेस कहते हैं बच्चों हियरिंग एम्पेयरमेंट क्या होता है तो श्रवण बाधिता बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें सुनने की क्षमता कम होती है या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है इन बालकों को बोलने और सुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ऐसे बालकों की शिक्षा भी अवरुद्ध हो जाती है निस्त्यजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार श्रवण बाधिता दो प्रकार की होती है एक आपका बधिर मीन्स डैफ और दूसरा आपका हार्ड ऑफ हियरिंग हार्ड ऑफ हियरिंग जो हमारा बधिर बच्चा होता है या डैफ बच्चा होता है उन बच्चों के दोनों कानों से संवाद आवृत्ति में बेहतर कर्ण में सेवेंटी डेसिबल या उससे अधिक की श्रवण अक्षमता हो जाती है मीन्स ऐसे बच्चों को जो हमारे डैफ बच्चे होते हैं उनको हियरिंग एड्स वो भी हाई क्वालिटीज की नीड होती है दूसरा हमारा हार्ड ऑफ हियरिंग होता है इसमें दोनों कानों से संवाद आवृत्ति में बेहतर कर्ण में 60 डेसिबल से 70 डेसिबल की श्रवण अक्षमता हो जाती है इन बच्चों को हम हियरिंग एड्स और विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उनके श्रवण क्षमता को बढ़ा सकते हैं तथा उनके डेसिबल जो उनकी रिसिड्यूअल प्रॉब्लम है जो उनकी हियरिंग लॉस हुई है उसको हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं श्रवण बाधिता से क्या समस्याएं हो सकती हैं अगर कोई बच्चा श्रवण बाधित हो गया है या डेफ बच्चा हो गया है तो ऐसे बच्चों को पहली प्रॉब्लम होगी नो हियरिंग वो किसी भी शब्द को नहीं सुन पाएगा और अगर वो किसी शब्द को नहीं सुन पाएगा तो उसमें लैंग्वेज यानी भाषा की समस्या होगी बोलने की समस्या होगी उसके पास नो लैंग्वेज एंड नो स्पीच और जब आप जानते हमारे पास भाषा नहीं होगी लैंग्वेज नहीं होगा तो हम कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते मींस हमारा सम्प्रेषण किसी से भी नहीं हो सकता हमारे जो इमोशंस हैं हमारे जो विचार्स हैं हम वो किसी को कम्युनिकेट नहीं कर सकते और साथ ही साथ उनके विचारों को भी हम नहीं ले पाएंगे जब हम किसी विचार को नहीं ले पाएंगे किसी भाषा को नहीं सीख पाएंगे तो हमारा नो एजुकेशन। फिर उन बच्चों का किसी प्रकार से शिक्षा होना मुश्किल हो जाता है और जब उनको शिक्षित नहीं होंगे तो उनके पास नो नॉलेज होगा यानी उनके पास ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा और ज्ञान नहीं है तो थिंकिंग कैपेसिटी भी उनकी डेवलप नहीं हो पाएगी मींस उनकी सोचनी अवरुद्ध हो जाएगी इस प्रकार जो हमारा डेप बच्चा है या हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चा है उन बच्चों में कॉग्नेटिव सोशल्स एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ सभी एफेक्टेड हो जाते हैं इस प्रकार आप बच्चों आपने देखा कि सेंसरी डिसेबिलिटी या संवेदी तंत्रिका अक्षमता के कारण बच्चों में सुनने की क्षमता साथ ही साथ उनके देखने की क्षमता दोनों ही अवरुद्ध हो जाती है अगर बच्चे में सुनने की क्षमता ख़त्म हो जाती है तो उनकी थिंकिंग कैपेसिटी नहीं डेवलप हो पाती क्योंकि उनके पास लैंग्वेज या स्पीच का विकास नहीं हो पाता विकास न होने से उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता और जब वो अपने विचारों को एक दूसरे से व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो वो किसी भी अपने साइकोलॉजिकल डेवलप भी नहीं कर पाएंगे इस प्रकार समाज से वो अवरुद्ध हो जाते हैं और उनकी जो सामाजिक गतिविधियां हैं वो प्रभावित होती हैं सेंसरी डिसेबिलिटीज के कारण बच्चों में देखने और सुनने की समस्या प्रभावित होती है इस प्रकार आपने देखा कि सेंसरी डिसेबिलिटी हमारे सेंसेस से जुड़ी हुई है इन सेंसेस ये दो प्रकार की होती है एक तो हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट और दूसरा विजुअल इम्पेयरमेंट होता है और दूसरा जो हमारी ड्यूअल सेंसरी डिसेबिलिटी होती है उसमें दो प्रकार के सेंसेस इफेक्टेड होते हैं मींस सुनने की और देखने की जिसे हम डेप ब्लाइंडनेस भी कहते हैं तो बच्चों मुझे लग रहा है कि सेंसरी डिसेबिलिटीज क्या होती है और उसके कितने प्रकार हैं और उससे बच्चों को क्या इफ़ेक्ट हो रहा है इससे आप भले भांति अवगत हो गए होंगे नमस्ते